सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन के बारे में। वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारे हैलोरिन होते हैं जिनको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं, उनकी रिएक्शन हम एल्काइलाइड और सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और वहां से क्या बनाते हैं, एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। अब कैसे होगा सब कुछ, चलिए रिएक्शन के हेल्प से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपना हैलोरिन लेंगे। हैलोरिन आपके क्या होते हैं, अपनी इसके लिए क्या करो, बेंजीन रिंग बनाओ। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग होती है। अब बेंजीन रिंग से अपना डायरेक्टली कौन जोड़ दो, हैलोजन मेंबर जोड़ दो, यानी एक्स। एक्स आपका हैलोजन होता है, और आपके कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोरिन यानी एराइल हैलाइड हो गए। अब इनकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। एल्काइल हैलाइड आपके क्या होते हैं, आर एक्स, इनको हम हैलो एल्केन बोलते हैं, तो आपके एल्काइल हैलाइड हो गए। और बच्चों और किससे करते हैं रिएक्शन, यहाँ पे बच्चे इसकी हम ओढ़ लेते हैं सोडियम मेटल यानी Na, और सोडियम के हम यहाँ बच्चों दो एटम लेते हैं, और ये रिएक्शन आपकी होती है बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। अब बच्चों इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो जो आपका हैलोरिन है, इसे थोड़ा ऐसे बना लो हॉरिजॉन्टली, यानी इसे इस तरीके से बना लो, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, ये इसके साथ एक्स अटैच है, तो आपका हैलोरिन हो गया। यहाँ पे इसके बाद आपके क्या सोडियम के, यानी दो आइटम है सोडियम के आपके यहाँ, तो इन दोनों को ओपन करके लिख लो। सोडियम मेटल के आपके दो आइटम हो गए, इन्हें हमने ओपन करके लिख लिया। फिर जो आपका एल्काइलाइड है, इसे थोड़ा फ्लिप करके लिख लो, यानी ऐसे करके लिख लो एक्स आर, और यहाँ पे आपको पता है भी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, शॉर्ट में लिख दिया ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो आपका सोडियम है, एक सोडियम तो क्या करेगा, इसके हैलोजन मेंबर को ले जाएगा हैलोरिन के, यानी एक तो इसे ले जाएगा एक सोडियम तो, और एक सोडियम बच्चों इसे ले जाएगा एल्काइल हैलाइड के हैलोजन मेंबर को। अब आप कैसे हो गया, तो यहाँ पे आपके क्या निकल गए, NaX, तो 2NaX यहाँ से आपके बाहर निकल जाएंगे, एक NaX ये रहा, एक NaX आपका ये रहा। इसके बाद आपका क्या बचा, एल्काइल ग्रुप बचा और बेंजीन रिंग बची, तो एल्काइल ग्रुप जाके आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, तो आपके कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे नजर आएंगे, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका आके एल्काइल मेंबर लग गया, तो आपकी क्या बन गई, एल्काइल बेंजीन बन गई, यानी एल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पे आप ऊपर भी समझ सकते हो, तो बहुत आसान है आपके लिए भाई। अब यहाँ पे देखो क्या है, दो सोडियम एटम है, तो एक सोडियम एटम तो इसके एक्स को ले जाएगा, और एक सोडियम एटम इसके एक्स को ले जाएगा, और एल्काइल ग्रुप आपका बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, तो आपके यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में भी समझ सकते हो, तो क्योंकि भाई पेपरों में आपका ज़्यादातर ऐसे आता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे आपका ऐसे हो गया आर, ये आर एल्काइल ग्रुप आपका जुड़ गया जाके, तो बस ये बन गया एल्काइल बेंजीन, यानी आपका क्या एल्काइल, भाई आपका क्या हो गया एल्काइल, आर तो आपका एल्काइल हो गया, और ये आपका क्या है बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, तो ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हो आराम से। और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा भाई, 2NaX आपके बाहर निकल गए, 2NaX आपके आउट हो गए। इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे अपना हैलोरिन लो सबसे पहले, तो हैलोरिन के लिए अपनी बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो, और यहाँ भाई इस बार हमें एक्स मान लिया अगर अपना क्लोरीन, तो एक्स अगर क्लोरीन मान लिया, तो आपका क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो गया। इसके बाद अपना क्या लो, एल्काइल हैलाइड लो। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं मिथाइल, सबसे छोटा आपका मिथाइल होता है एक कार्बन का, और एक्स तो हमने क्लोरीन ले रखा है, तो इसके अगर हम नाम की बात करें, इस ये जो हमने हैलो एल्केन लिया, इसका बच्चों कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड, और इसका IPSC नेम होता है क्लोरोमीथेन। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो एटम लेंगे सोडियम मेटल के, और रिएक्शन होगी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपको तो सब कुछ पता ही, तो एक Cl तो बच्चों एक Na के साथ, और एक दूसरा Cl भी आपका Na के साथ, तो दोनों Cl को तो Na ले जाएंगे दोनों। अब आपका कौन बचेगा भाई, CH3 बचा और बेंजीन रिंग बची, तो बेंजीन के साथ CH3 यहाँ पे जाके आपकी जुड़ जाएगी, तो आपका क्या होगा, यानी बेंजीन से आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, और एल्काइल ग्रुप कौन सा इस बार आपका CH3, तो ऐसे आपका जुड़ जाएगा जाके, और प्लस यहाँ से आपके क्या निकल गए, 2NaCl आउट हो गए। अब बड़े ध्यान समझने, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। अगर इसके नेम की बात करें, इसका नेम क्या है भाई, नाम कैसे लिखते हैं, पहले एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप आपका कौन है, CH3 आपका मिथाइल होता है, तो मिथाइल मिथाइल एल्काइल ग्रुप हो गया, फिर आपका बेंजीन लिख दो सिंपली, मिथाइल बेंजीन, ये आपका क्या मिलेगा, मिथाइल बेंजीन। और इसका बच्चों जो फेमस नेम है, बहुत ज़्यादा चलता है, जो इसका फेमस नेम है बच्चों टोलवीन, ये टोलवीन के नाम से फेमस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है इसका टोलवीन। आपको याद रखना है, जब भी आपको बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच नजर आए, तो आपका क्या है टोलवीन, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एग्जांपल और ले लेते हैं, इस बार मान लो आप क्या ले लो, एक्स अपना मान लो यहाँ पे ब्रोम बेंजीन, यानी इस बार एक्स अपना ब्रोमीन ले लो, तो आपका ब्रोम बेंजीन हो जाएगा, प्लस इस बार हम क्या करें, अगर आर को ले लें इथाइल, तो इथाइल होता है आपका C2H5, ये आपका इथाइल ग्रुप होता है, और एक्स तो हमने क्या लिया इस बार Br। इसके अगर हम नेमिंग की बात करें, कॉमन नेम होता है इथाइल ब्रोमाइड, IPSC नेम होता है ब्रोमो इथेन। और भाई यहाँ पे आप दो आइटम लेंगे सोडियम के, और रिएक्शन आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो गया ऐसे ही, तो इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से, तो दोनों भी यार दोनों एन के साथ चल जाएंगे, ये भी और ये भी, तो C2H5 यानी जो आपका C2H5 ये कहाँ जुड़ जाएगा, जाकर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। यहाँ बना देता हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पे अपना बना देते हैं स्पेस की वजह से C2H5,
थोड़ा आपको दिख रहा होगा क्लियर बिल्कुल, तो C2H5S जोड़ दिया और प्लस बाहर क्या निकलेंगे इस बार 2N42 बार आपके बाहर निकलेंगे। अगर इसके नेमिंग की बात करें तो इसका नाम क्या है इस बार आपका एल्काइल ग्रुप कौन है, इथाइल, तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है आपके इथाइल बेंजीन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चों, तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में, वाली वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी पूरी प्ले लिस्ट। सो बाय, लव यू गाइस।